मैं एक किन्नर हूँ तो क्या मेरी किस्मत में मोहब्बत नहीं? मैं किन्नर से कभी मोहब्बत नहीं कर सकता। अब शुरू होगा एक नया अध्याय। तेरी ओर चला रे थामे कौन सी डोर चला रे। जिन्होंने किए थे साथ जीने मरने के वादे, क्या हुआ कि मिट गई उनके प्यार की सारी यादें। लड़की मेरी तरफ क्या देख रही है? मैं कुछ सोच रहा हूँ, कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुझे डिस्टर्ब मत कर, चल उधर देख। अजीब हो तुम, मेरा बेड है, मेरा मुंह है, मैं किसी भी तरफ सो, तुम्हें क्या? और मेरे इस तरफ करवट लेने से तुम्हें कैसे डिस्टर्ब हुआ? बैठ बैठ, आ जा बैठ बैठ। टेंशन ले प्रीत, एक नया सवेरा आएगा, रात के बाद सवेरा आता ही है, वो भी लौट के आएगा, साडा पुत्र आएगा, सोच। बाबूजी भले कितना ही क्यों ना लड़ झगड़ ले, पर वो एक दूसरे को परेशान कभी भी नहीं देख सकते। माँ और बाबूजी में वैसा ही प्यार है जैसे हरमन और सौम्या के बीच है। आज बाबूजी में मुझे ना हरमन की झलक नजर आ रही है। बस अफसोस इसी बात का है कि बाबूजी हरमन और सौम्या के प्यार को कभी समझ ही नहीं पाए। लेकिन भगवान है ना रावी, भगवान सब समझते। तुम देख लेना, बहुत जल्दी ये सारी चीजें बदल जाएंगी और भगवान सब ठीक कर देंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऐसा फील करना है आप, आइए आपके पल्स चेक करते हैं। गुड। गुड भाई, हमने सुना कि कल आप यहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, और दोबारा फिर भागूंगा, तुम्हें से कोई रोक भी नहीं पाएगा। क्यों भाई, यहां कोई परेशानी है आपको? हम तो आपका इलाज कर रहे हैं। इलाज बोलते हो तुम लोग इसको? कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे, मुझे मेरा नाम तक याद नहीं आया। लगता है आपको हमारा इलाज का तरीका पसंद नहीं है। ठीक है, तरीका चेंज कर देते हैं। प्लीज ये देखिए, ये कलर चार्ट है, बताओ इसमें से कौन से कलर पहचान सकते हो तुम? ये, 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 ज्यादा ये देखो कितने सारे कलर्स हैं। ये बताओ ये कौन सा है? लाल। और ये वाला? हरा। और ये? सफेद। और ये? काला। वेरी गुड, तुमने तो सारे कलर्स के नाम बता दिए।
तुम जरा जाकर मेरे केबिन से व्हाइट बोर्ड और मार्कर लेके आ। ओके सर। थैंक यू। हम इसको यहां टांग देते हैं। जब तक तुम दोनों की याददाश्त वापस नहीं आ जाती तो तुम दोनों को किसी नाम से तो बुलाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए आज से तुम हो हमारी खुशी और तुम हो हैं हमारे जॉली। ठीक है, यहां हुई खुशी, ये है जॉली। ठीक है, अब आप बताएं आपको सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है, आप बताएं। बहुत सारे दोस्त बनाना, पढ़ना, स्कूल जाना। वेरी गुड, वेरी गुड। और जॉली साहब, अब आप बताइए आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, सोच के बताइए कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे मारपीट करना, पीट पीट के हड्डी पसली एक कर दे, और अभी भी यही मन कर रहा है सबकी हड्डी पसली एक कर दू पीट पीट, क्योंकि कुछ याद नहीं आ रहा है। आ जाएगा। तुम हमेशा मारने पीटने की बातें क्यों करते हो, कहीं फिल्मों में एक्शन हीरो तो नहीं बनना चाहते? इससे एक बात तो तय हो गई, जॉली साहब आप जरूर शेरों के खानदान से हैं। शेर? मैम ये लीजिए, ये मैंने तुम दोनों के लिए कुछ कपड़े मंगवाए हैं। जब तक तुम दोनों को कुछ याद नहीं आ जाता तो तुम यहीं रहोगे। ये इन्हें दे दीजिए, और ये तुम्हारे लिए। मुझे बस अब गुलाब को ढूंढना है। पिंड वालों सुनो, सुनो पड़ोस वालों सुनो, यहां मनिंदर सिंह के घर के सामने आ जाइए। आइए आइए, अब भी आइए आइए। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं सच बोलता था। अब ये क्या नया तमाशा है वरुण, आखिर चाहते क्या हो इनसे? मैं क्या चाहता हूँ, आप लोगों को ये लगता था ना कि मैं झूठा और नौटंकी करता हूँ। चाचा जी आपने, आप सब लोगों ने मुझे मिलकर समझाया था ना कि मैं इन लोगों से माफी मांगू। आज मैं बताता हूँ कि सच क्या है, और सच ये है कि मेरी बीवी रातों रात ही घर छोड़कर भाग गई है। उसके पेट में किसी और का बच्चा पल रहा था, तो जब उसे लगा कि उसका भांडा फूटने वाला है तो वो यहां से 9-11 हो गई। ये क्या बक रहा है वरुण? मैं बक रहा हूं, आप लोगों को यकीन नहीं आता ना? नहीं आता ना यकीन, तो पूछिए इनसे, पूछिए कि सुरभि कहां गई है, पूछिए ना। तो सुरभि, सुरभि को फोन मिलाओ, चलो मिलाओ मिलाओ, तो मिलाओ मिलाओ, जल्दी मिलाओ उसको नंबर। शर्म नहीं आती तुझे अपनी बीवी के बारे में इस तरह बात करते हुए? और तुझे क्या लगता है हमने फोन नहीं किया होगा? अरे उसने हमें भी नहीं बताया कहां चली गई है वो। देखा आप लोगों ने, देखा चोर की दाढ़ी में तिनका। अब तो सब कुछ साफ हो गया मनिंदर कि तुम्हारी बेटी ही बच्चा थी। ये बेचारा तो खामखा झूठा साबित हो गया, सब कुछ जानते हुए भी कितना कुछ चाहता रहा। चुप, सवाल सवाल की बात कर, किसके बारे में बात कर रहा तू? पहले से बहुत परेशान हूं मैं, और परेशान मत करो मुझे, जाओ यहां से, जाओ सबके सब, चल बेबे चल तू। सारी गलती सुरभि की थी, आज भाग कर उसने साबित कर दिया कि वरुण जो कहता था सच था। पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ। ये गुलाबो मेरा नाम तो हो नहीं सकता। तो गुलाबो नाम आया कहां से? हेलो गुलाबो, मैं मेरा मतलब आपका नाम गुलाबो? नहीं मेरा नाम विपा है। गुलाबो जी
हेलो 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 गुलाबो गुलाबो तुम्हारा नाम गुलाबो है? नहीं। तुम किसी गुलाबो जानती हो? नहीं, यहाँ कोई गुलाबो नहीं। गुलाबो ओ जॉली, तुझे गुलाबो मिली? क्या पता गुलाबो किसी का नाम ही ना हो। तुम गुलाब के फूल को गुलाबो कहते हो शायद, इसी वजह से ये नाम तुम्हारे दिमाग में अटक गया है। चलो अब आराम करो, जाओ। मुझे नाम याद है तो गुलाबो तो जरूर होगी। पैदा हुआ है तो जच्चा बच्चा से अब तो दर्शन करवा दीजिए। कहाँ है? पता नहीं। आए, पता आए। नहीं? आए, बेबी तुम्हें पता है? नहीं पता है? आपको पता है? मोरी अम्मा, नरे गोरे, नरे गोरे। तुम्हें तो पता होगा जच्चा और बच्चा, नया नया बच्चा पैदा हुआ। आगे पूछो। आगे पूछो। हाय हाय, मोरी अम्मा। खुशी अगर किन्नर है तो वो भी किसी ऐसे ग्रुप में रहती होगी ना, लेकिन इन्हें देखकर इसे कुछ भी याद नहीं आया। लगता है इसे एहसास भी नहीं है कि वो खुद एक किन्नर है, वरना कुछ तो फर्क पड़ता। इंतजार करते हैं, लेकिन अगर खुशी की याददाश्त वापस नहीं आई तो इसकी हेल्थ ठीक हो जाने के बाद उसकी मर्जी से उसे इन्हीं लोगों के साथ भेज देते। इन किन्नरों के हर एरिया में कनेक्शंस होते हैं, हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं से पता लगा लेंगे कि खुशी एग्जैक्टली है कहां से। आप सही कह रहे बेटा, थोड़ा सा दूध पी ले। बेटा तूने बहुत दिनों से अच्छे से खाया पिया नहीं है, बस थोड़ा सा दूध पी ले। मम्मी मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं पीना और ना ही कुछ खाना है। जब मामा मम्मी आप वापस लेके आओगे तभी मैं पीऊंगा, वरना मैं नहीं पीने वाला। चिंटू एक बात बता बेटा, तेरे कुछ ना खाने से क्या कुछ ठीक हो जाएगा? चिंटू देखो, अगर तुम दूध नहीं पियोगे ना तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और एक बात बताओ, अगर तुम्हारे मामा मामी को पता लगेगा कि उनका चिंटू कुछ नहीं खा रहा, कुछ नहीं पी रहा, तो उन्हें कितना बुरा लगे। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, फटाफट दूध पी लो। लो चिंटू बेटा, साथ में बिस्किट भी खा लो। सन्नू नानी मुझे कुछ नहीं खाना। लीजिए जीजी बिस्किट खा लीजिए। बच्चे नहीं मिल रहे हैं, तू बिस्किट बांटती फिर रही है क्यों? जीजी मैं तो सिर्फ बिस्किट खाने के लिए। ओ परजाई क्या हो गया फिर, बिस्किट पूछ लिया तो? दुख हमें कोई कम थोड़ी है, पर इस तरह से खाना छोड़ने से तो काम नहीं चलेगा ना। मैं चाय पी रही थी ना चाय। हाँ है ना, चाय है ना इसमें, तो ये बिस्किट क्यों? ये दिख नहीं रहा, मैं पी रही हूँ ना चाय, कोई जश्न चल रहा है। बिस्किट क्यों क्यों बिस्किट बांट रही है? हाँ अरे हरक जी, इसको समझ में नहीं आ रहा बिस्किट क्यों बांट रही है ये। हम ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए हैं, वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, ये बिस्किट बांट रही है। दुख सब ठीक हो जाएगा, टेंशन ले प्रीत। प्रीत उन्होंने दुख है, उन्होंने दुख है प्रीत, वो भी बच्चे के लिए वो भी इंतजार कर रहे हैं। तू तू ऐसा हौसला ना छोड़, तू टूटेगी तो फिर मैं भी टूट जाऊंगा। कल नहीं सुनो, आप रो क्यों रहे? मैं किधर रो रहा? मिल जाएंगे, आते होंगे, रोना नहीं है। ठीक है मिल जाएंगे। हाँ
रोना नहीं। वीरन चाय बिस्किट क्या, मन तो करता कि इस मातम को खीर पूरी के साथ पल पल सेलिब्रेट करूं। गुरदासपुर के हर एक इंसान को जाकर हर एक घर में मुंह में मिठाई खिलाऊं। शनु पागल हो गई है क्या, इतना जोर से बोल रही है। वो दीवारों के भी कान होते हैं, वीर जी परजाई सुन लेंगे। याद नहीं है मुझे, ना नाम जानता हूं ना पता, बस इतना याद है कि तुम भगवान हो और तुम लोगों की मदद करते हो, सबकी मदद करते हो। मेरी मदद करने में कोई प्रॉब्लम है यार? कुछ तो बताओ, कुछ तो याद दिला दो। ना नाम पता है, ना घर का पता, ना माँ बाप। अरे किसी ने पैदा किया, तुमने आसमान से फेंका था यार, तुम तो बता दो। मुझे याद नहीं आ रहा, ना किसी को पता है। नहीं बताओगे ना, मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं बताता। ए लड़की, तूने मुझे चाटा क्यों मारा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाथ छोड़ो वरना एक और थप्पड़ पड़ेगा। एक मेरा दिमाग खराब करना, वैसे ही मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ज्यादा दिमाग खराब करेगी ना, मैं तुझे एक चाट। बच्चे हो क्या, चैन से एक जगह बैठ नहीं सकते हो? खुद को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हो, साथ में दूसरों को भी परेशान कर रहे हो। सारा हॉस्पिटल अपने सर पर उठा लिया है और खुद के सर पर ये चोट लगा ली। जल्दी चलो यहां से, सिस्टर डॉक्टर बुलाओ। यार मैंने कहा ना तुम लोगों से मुझे कुछ नहीं हुआ है। चुप हो जाओ, क्या कर लिया तुमने? ड्रेसिंग ले लो, पट्टी करने तो मुझे, चुप रहो। सारे पागल भरे हैं इस अस्पताल में। कुछ नहीं हुआ है तुम्हें? सारे पागल भरे हुए, तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, ऊपर से एक दिन ये सारे मिलके मुझे पागल कर देंगे। मुझे घूर क्यों रही है? तुम्हारे पापा का नाम क्या है, कहाँ रहते हैं आप? आपका नाम, एड्रेस पता। तू पागल वागल है क्या, दिमाग खराब है तेरा? यार ये सब पता होता तो यहाँ से भागने की कोशिश करता, अपना सर फोड़ता। नहीं और सुन, दोबारा मुझसे ना ऐसा कोई सवाल मत करना। अब मुझे लगा कि तुम इतना सर पटक रहे हो तो शायद याददाश्त वापस आ गई होगी, है ना? याददाश्त वापस आ गई। डॉक्टर, नर्स, सिस्टर, क्या हुआ? ये लड़की पागल है, आपके मरीज को परेशान कर रही है और मजाक उड़ा रही है मेरा। मैंने तो सिर्फ सवाल पूछा था, और ये हर बात पर ना तुम चिल्लाया मत करो, मैं तो सिर्फ मदद कर रही थी। अब अगर तुमने मुझसे इस तरह से बात की ना तो मैं तुम्हें अब से ढक्कन बुलाऊंगी। तुमने ढक्कन कहा मुझे? क्यों, सुनाई नहीं पड़ता है क्या? तुम्हें कहा? तुझे बताता हूँ मैं ढक्कन। शांति रखो। शांति कैसे रखूंगा, इसे यहाँ से लेके जाओ। खुशी मेरे साथ बाहर चलो, तुमसे बात करनी है थोड़ी। चौली बेटा, तुम्हारे लिए इतना स्ट्रेस लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, सबसे पहले आप इसका और अपने पति का इलाज करिए, इन दोनों में कोई फॉल्ट नजर आ रही है मुझे। चुपचाप से आराम करो हाँ, और बेड से उठना नहीं हाँ। वैसे तो तुम दोनों झगड़ते हुए बड़े अच्छे लगते हो, लेकिन वो जॉली बड़ा एग्रेसिव है,
देखा ना कैसे सर पटक लिया आपना। गरीब बानो तो उससे ज्यादा उलझना मत।